दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के कहर से कराह रहे हैं, वहीं भारत में कोरोना वायरस दूसरे स्टेज में पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी से युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैसे रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखिए। आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। कोरोना वायरस का कहर जैसे जैसे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। देश में लॉकडाउन के बाद सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके आगे प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। लॉकडाउन के बाद यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले मजदूरों की बाढ़ सी आ गई है। दिल्ली से यूपी के लिए निकलने वाली सड़कों पर सैकड़ों मजदूर हैं। ये मजदूर अपनी जरूरत के सामान सिर पर उठाकर बच्चों और महिलाओं समेत अपने घर की यात्रा पर निकल पड़े हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब कोरोना तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीड़। दिल्ली के आनंद विहार और यूपी के कौशाम्बी बस अड्डे पर हजारों लोग अपने घर जाने को मौजूद हैं। दिल्ली में इनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल है कि इन्हें हर हाल में अपने गांव पहुंचना है। अपनी गृहस्थी सिर पर संभाले इन मजदूरों को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है और ना ही कोरोना का डर। सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है, लेकिन ये सरकार की हर मेहनत पर पलीता लगा रहे हैं। नोएडा में भी लोगों का हजूम। तस्वीरें नोएडा से भी कुछ दिल्ली नोएडा बॉर्डर जैसी ही हैं, जहां मजदूर और गरीब तबके के लोग बिना कुछ सोचे समझे सड़कों पर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, जिन्हें ना तो कोरोना वायरस की परवाह है और ना दूसरों की जान की, बस चिंता है तो अपने घर पहुंचने की। गाजियाबाद में उमड़े मजदूर। गाजियाबाद में भी मजदूरों की भारी भीड़ मौजूद है। यहां कोई इंतजाम नहीं है, पुलिस के कुछ जवान इन्हें लगातार समझा रहे हैं, लेकिन मजदूर गुजरते वक्त के साथ परेशान हो रहे हैं। मजदूरों के पास कुछ घंटे के लिए खाने पीने का इंतजाम है, लेकिन पानी दवा की भारी किल्लत है। सड़कों पर उमड़े इस हुजूम के आगे पुलिस लाचार सी खड़ी है। रोडवेज की बसें इन मजदूरों को एटा, इटावा, झांसी, आगरा, बुलंदशहर, गोरखपुर, लखनऊ लेकर जा रही हैं। शहर में अब नहीं रहा आसरा। मजदूर हर संकट और हर समस्या की चुनौती को समझकर शहर से गांव के लिए निकल पड़े हैं। ये शहर कभी उनके आसरे का ठिकाना था। यहाँ से सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का पेट भरता था, लेकिन कोरोना के संक्रमण ने एक झटके में सारे बने बनाए चक्र को तोड़ दिया है। मजदूरों को अब एक ही यकीन है कि गांव में ही पहुंचकर वे सुरक्षित रह सकते हैं। कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग बनी मजाक। वहीं दूसरी तरफ यूपी की मेट्रो सिटी कानपुर की तस्वीरें डराने वाली हैं। हर रोज जरूरी सुविधाओं की छूट वाली लिस्ट बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि लॉकडाउन की छूट में जरूरी सामान लेने के लिए हुजूम उमड़ रहा है। छूट के दौरान सड़क पर मेले जैसा नजारा दिखता है, जो कोरोना की चपेट में आकर इंसानी जिंदगी को कफन में लपेटने के लिए काफी है। लोगों को नहीं पता कि वह जरूरत का सामान लेने निकले हैं, लेकिन घर कोरोना लेकर पहुंचेंगे। सूबा पूछ रहा है कि जब देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मुहाने पर खड़ा है, तो लोग इसकी गंभीरता और भयावहता को क्यों नहीं समझ रहे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़।